कूड़ा ही लग रहा है सचिए। हाय गुड इवनिंग, अभी शाम के 4 बज रहे। हम लोग आए हैं कपड़े धोने यहाँ पे हैंडपंप के पास, और आज है 13 तारीख है, 13 मई है आज, 13 मई, हाँ 13 मई है आज। तो कपड़े हमने सुबह के भिगोए हुए, बट फिर वही खाना खाने के बाद सुस्ती आ गई, फिर सो गए, फिर सोचा कि चलो अभी आते हैं। और बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है हैंडपंप चलाने के पीछे। दोनों लगाओ पावर कट्ठे, दोनों कर कट्ठे कट्ठे, ए इधर इधर करो आप, इस साइड को, इस साइड करो। अब बड़ी हिम्मत हो गई तसल्ली, ताकत वाला। चलो हम कपड़े धो लेते, फिर उसके बाद मिलते हूँ आपसे, क्योंकि कपड़े थोड़े ज्यादा है। ये रहा यहाँ पे ट्रैक्टर, खेत बीजने के लिए ट्रैक्टर, जा बैठ। करके दिखा डांस, चल आ जा, चल उठ, बस चलो चलो, देश के वीर जवान। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम का, मैं बात भी कर रही हूँ फोन पे, और मैं जलाऊंगी यहाँ पे चूल्हे पे आग। तो शाम को कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बना था कि आप लोगों को मैं कैप्चर करके दिखाऊं, तो इसके आगे जो है वो मैंने नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में ही कैप्चर किया है। बट शाम के टाइम 6:30 बजे हमारे यहाँ पे आग जला देते हैं, जो उपला होता है उसको दबा के रख देते हैं आग के नीचे, तो वो धीरे धीरे सुलगता रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पे अगले दिन की सुबह है, मैं बना रही हूँ सेवियाँ ब्रेकफास्ट के लिए, आज पतली वाली सेवियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे देसी घी डाल दिया है, और 2 इलायची है मैंने उनको कूट लिया था हल्का हल्का सा, वो ऐड कर दिए, और इसके बाद ये सेवियाँ जो है वो भी ऐड कर दिए मैंने। बहुत से लोग इसको डायरेक्ट दूध में ही पकाते हैं, क्योंकि ये पहले से ही जो है रोस्ट होती है आई थिंक, तो लेकिन मैं घी में कर लेती हूँ, हम लोगों को इसी तरीके से घी में भुनी हुई ही अच्छी लगती है। बहुत से लोग इसको घी में नहीं भूनते, खीर की तरह बनाते हैं, बट अपना अपना तरीका है सबका बनाने का। तो ये थोड़ी सी और गोल्डन हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। आप अगर पानी नहीं डालना चाहते तो डायरेक्ट दूध में भी ऐसे पका सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा पानी में पका लूँगी इसको पहले, और फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी दूध। लेकिन उससे पहले ऐड करेंगे हम इसमें चीनी। तो ये देखिए, ये बहुत जल्दी पक जाती है, इनको पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत क्विक रेसिपी है ये ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये गल गई है अब अच्छे से, और इसमें हम ऐड कर देंगे अब चीनी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, कितना मीठा आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल दे रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा सा कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं, तो मीडियम सा ही डालते हैं, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूध भी ऐड कर दिया है, और अब हम इसको दूध में अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। साइड में चाय भी बन रही है, क्योंकि मम्मी पापा जब खेत से आते हैं तो उनके लिए चाय और ब्रेकफास्ट जो है वो हम ज़्यादातर रेडी करके ही रखते हैं, या जब तक वो आ ही रहे तब तक पक आते हैं, तब तक पक ही रहा होता है। हाय गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह के 9:45 हो गए, ये आँख में काजल लगा है, 9:45 हो गए हैं, और ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, चाय पी ली हमने, और पापा ने जो आलू लगाए हैं उनको खरीदने के लिए भी आ गए हैं लोग, तो धीरे धीरे मतलब खरीद रहे हैं लोग, जैसे कोई आज आ जाता है कोई कल आ जाता है, ऐसे एक एक करके 2-3 लोग मतलब एक दिन में आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है आलू का,
मैं अंदर ही आ जाती हूँ क्योंकि ना बाहर फिर जोर से बोलना पड़ता तो सब सुनते हैं, उनको लगता है कि अकेली फोन पे बात कर रही है, पता नहीं क्या रीजन होगा। तो अभी बेड वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे दीदी सोती है, तो अभी वैसे ही पड़ा है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि आलू जो लगाए थे पापा ने, उनको लोग जो है धीरे धीरे खरीदने के लिए आना शुरू हो गए हैं। तो बस अभी बाहर वही तोड़ रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, अभी तोड़ रहे हैं, काफी अच्छे निकले आलू। मम्मी मम्मी, मुझे लगा मम्मी है। तो अभी हमने नहलाना है गाय को, तो देखती हूँ अगर आपको भी दिखा दूं कि कैसे नहलाते। वैसे तो मैंने दिखाई हुई है लेकिन बहुत पहले दिखाई थी, चार पांच महीने पहले। तो देखते हैं अगर नहलाते हैं उनको तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि किस तरीके से नहलाते हैं उनको, क्योंकि उनका स्नान पानी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगी कि अपने व्लॉग में मैं थोड़ा सा एनर्जी के साथ ज्यादा बोल पाऊं। मैं दिन में थोड़ा धीरे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ आपको बाहर का माहौल। मैं ड्रेसिंग टेबल को तो आई नहीं, पता नहीं है जीते है वो जीते भी है नहीं क्या कैंची पुरानी कैंची खिड़की है, मैं चश्मे रख रखी थी। अच्छा ये देखो, हम जा रहे हैं गाय के पास, मम्मी ने शुरू कर दिया गाय को नहलाना। ये देखो ठंडे पानी है की गरम। बड्डी नुड़ाई थी नाना, ये चेड़ी जी रखी है, उसको नहीं नहलाना बेटा। नहीं देखो पैसे नुड़ाना, मर जाओ, वो छोटा बेबी है, वो बीमार हो जाता है, डांटेंगे गई। इया तो ब्रश भी आओ मम्मी ने नुड़वाने रा, ग्लव्स जे आओ। हेलो हेलो, ये बड़ी काऊ ना मुझे मारती भी नहीं है। हैं हां देखो मार दी है, ये खुरकने का बोल रही है, जब हटो। ये बोलती है कि मुझे खारिश करो, ये हो रहा है हमारी गाय का शाही स्नान। कितने टाइम बाद लगे नुड़ाने, तीसरे चौथे दिन ने है, तीन चार दिन के बाद नहला देते हैं। अभी सर्दियों में होता है थोड़ा कि इनको थोड़ा लेट नहलाते हैं क्योंकि ठंड होती है, अभी थोड़ा मौसम ठीक है तो इनको जल्दी जल्दी नहला देते हैं, गंदी हो जाती है ये बहुत जल्दी। पढ़ नहीं गाय नहीं नुड़ा देने ना मम्मी, तीन कौन नुड़ा देने, जो पहाड़ी गाय होती है ना देसी गाय, तो उनको नहीं नहलाते क्योंकि उसे बारे बुरे भी जानती रहोगी है ना जी, हाँ बरखा बुरखा देगी, पर तीन चामड़ी एड़ी होगी क्या नहीं होती, चिकड़न लगता नहीं है ना उनमें ना, वो गंदी नहीं होती है जो पहाड़ी गाय होती है। ये जर्सी गाय है, इनको नहलाना पड़ता है, इनकी केयर ऐसी करनी पड़ती है बिल्कुल प्रॉपरली। ये रहा आदित्य, यहाँ पे बाछू किया पिया करो पानी, देखना बच्चू कैसे पी रहा पानी। ये सुस्त है, इसको भी सुस्ती, अड़ी गर्मी लगी होनी ना, फिर बननिया ताए हो गए। आदित हाय कर दो सबको। हाय, कैसे हो आप? ठीक हूं। क्या करते रहते हो? शैतानी। शैतानी? ये निकर किसने बनाई आपके लिए, बताओ तो सही। यहाँ पे मासी, यहाँ बताओ निकर किसने बनाई आपके लिए? मासी। कौन सी मासी? बड़ी मासी। बड़ी मासी। कैसी लगी आपको निकर? बहुत। यहाँ दिखाओ, ये देखो आदित्य ने जब सारे कपड़े फाड़ दिए यहाँ पे, तो अब उनकी निकरे बन गई। दो लोअर की निकर और एक पैंट की निकर सारी फाड़ दिए इसने, उनकी बन गई निकर। ये देखो आ गए यहाँ पे बॉस बन के, सॉक्स पहन के। सॉक्स के साथ क्रॉक्स कौन पहनता है भाई? देखा बे बाहर सिरोरी।
तो चलिए फेंक के आते हैं अब गोबर, यानी कि सेज के ऊपर जो गोबर फेंकते हैं हम लोग, जो खाद के लिए इकट्ठा करते रहते हैं, वो गोबर मैं फेंकने जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल अकेली जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे एक ही टोकरी थी। तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू फेंक देगी, तो मैंने बोला चलो मैं ही फेंक आती हूँ। तो ये रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना एकदम सीधी उतराई है नीचे को, मैंने पिछले व्लॉग में भी, पिछले से पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, बट रास्ता नहीं दिखाया था। तो ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, अगर यहाँ से एक बार पैर फिसल जाए ना तो बहुत बुरे तरीके से जो गिरते हैं ना और जो लगती है ना चोट। एक बार मुझे याद है मैं छोटी थी ना, तो भी मैं ऐसे यहीं पे ये गोबर फेंकने आ रही थी, मैं इतना जोर से गिरी थी ना, इतने जोर से मेरी पीठ बजी थी और ये टोकरू मेरे ऊपर गिर गया था और मैं नीचे और सारा गोबर मेरे ऊपर। तो मेरे को अभी भी याद है, तो जब भी मैं यहाँ से उतरती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि पैर फिसल जाता है ना, पता नहीं चलता। तो ये रहे हमारे यहाँ वाले नीचे वाले खेत, क्योंकि घर हमारा यहाँ से ऊपर जाके है। तो आई थिंक ये वाला एरिया नहीं मैंने आपको दिखाया था कभी भी, तो ये है नीचे। पिछली बार भी आई थी लेकिन मैं यहाँ पे इधर उधर का शूट करना भूल गई थी। तो ये नीचे के खेत है, थोड़ा आगे जाके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे, तो ये जो ये वाले खेत हैं इनमें फिलहाल कुछ नहीं लगाया है, बीजा हुआ नहीं है कुछ भी। ये पूरे नीचे को ये हमारे खेत है, और ये नीचे वो रास्ता है जहाँ से हम बावड़ी को जाते, तो यहाँ से भी शॉर्टकट है। कुछ खेत इधर को भी है, इस खेत से नीचे की तरफ भी है, ये भी हमारा ही खेत है। इस खेत से यहाँ नीचे की तरफ को भी कुछ खेत है, वो भी मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। और ये ऊपर को हम लोगों का ही है। ये देखो यहाँ से, ये वो ऊपर जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जिसमें गेहूं लगी है, ये वो बड़े बड़े खेत है। तो वहां से नीचे वाले खेत ये है। तो आप देख सकते हो आपके कितने सारे पेड़ हम लोगों ने लगा रखे हैं, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। तो हम अगर काटते हैं पेड़ तो हम लगाते भी है, ऐसा नहीं है। और ये दाड़ू का पेड़ है, जो लोकल अनारदाना होता है वो खट्टा वाला। और ये हमारा घर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। हो गए रेडी? हाँ। यार तुम लोग तो हमें धोखा देके जा रहे हो। धोखा कब दिया हमने? अब मैं तो अकेला रख के जा रहे हो आप है मनन? अकेला कैसे रखेंगे हम? इधर आ जरा, गीता बुआ नहीं आपके पास? इधर आ। अब हम सोलन जा रहे हैं। अब हमारा दिल कैसे लगेगा, तुम तो सोलन चले जाओगे हैं। आपकी मम्मा, आपके कान के कीड़े तरस रहे होंगे बकबक सुनने को। और क्या, मेरे कान के कीड़े तरस जाएंगे तेरी बकबक सुनने के लिए? फोन कर देंगे हम आपको, हाँ, तब सुन लेना बकबक मेरी। अब मेरी भाभी तो हमें धोखा देके जा रही है, है? नहीं। भाग रही है हमें धोखा देके भाभी हमारी, है? और अपने बच्चों को भी ले जा रही है? नहीं। तो हाथ कहाँ डाल रखे हैं तेने, सीधे निकाले निकाले? क्यों? मेरी तो पैंट है। पैंट है उसमें तो मोटा पेट, पेट नहीं दिखाते। नहीं बोल, मेरा है। तेरे को क्या है दीदी? बोलो मेरा है दीदी। अच्छा बाय कर दे सबको, बाय कर दे सब। बाय 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 बाय। किसी टी शर्ट पहन के जा रहा है Thank you.
ये देखिए हमारे राजमा, इनको हम थोड़े देर के लिए करने देंगे ताकि ये गाढ़े हो जाए। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना। व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, व्लॉग आप अभी इंजॉय कीजिए, बट मैं आपको याद दिला रही हूँ। चल पड़े तो देखी। तो ये मेरी भाभी है जो कि जा रहे हैं सोलन, क्योंकि इनको कुछ काम था तो ये जा रहे हैं। इन्होंने जो है इमरजेंसी पास बनवा लिया था। ये रहे हमारे पिताश्री चटनी बनाते हुए, जिसमें धनिया पुदीना और गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डालेंगे और ये प्याज भी डालेंगे और ये इन्होंने अनारदाने का पीस के लड्डू बना दिया, ये भी डालेंगे। ओह सॉरी पिपड़े पीछे पड़ेगा, सीख ही पाए। अच्छा ये मसाला पीसा, इसमें हरी मिर्च सॉरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा है ना, बस ना। बस अब इसको पीसेंगे। अनारदाना तो दस्ता में भी लड्डू बनाए रखा अनारदाने का, बस फिर इसको पीसेंगे और चटनी रेडी। पापा बोल रहे वैसे तो हमारे पास मिक्सी भी है, पर मिक्सी में इतनी अच्छी नहीं पड़ती, हम कुंडी में ही बनाते हैं। हमारे पास कुंडी है इसलिए हम कुंडी में ही बनाते हैं इसको।